एलटी ग्रेड तथा जूनियर एडिट की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों को वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, लेकर आ गया हूँ आप सबके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेरियस एजेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में कितनी एजेज हैं, उनकी खास खास कैरेक्टरिस्टिक बताऊँगा, विशेषता बताऊँगा आपको, फिर उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये जूनियर के लिए और एलटी के लिए, दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और लिटरेचर की जानकारी, सामान्य जानकारी रखने वाले किसी भी स्टूडेंट के लिए कम से कम इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं कि किस एज का टाइम पीरियड कब से कब तक है। तो आइए शुरू करते हैं। अप टू 450 ईस्वी तक क्या आता है, डार्क एज आती है, डार्क एज। ओके, तो डार्क एज में कुछ इतना खास नहीं हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, तो बस इतना याद रखिए कि 450 तक डार्क एज में ही रहते हैं ये अंधयुग। ओके, तो इसके बाद आते हैं 450 से 1066 या 450 टू 1066, ये एंग्लो सैक्सन पीरियड होता है। ये क्या होता है, एंग्लो सैक्सन पीरियड। ये बिल्कुल अर्लीस्ट फेज होता है इंग्लिश लिटरेचर का, अगर हम एंग्लो सैक्सन पीरियड की बात करें। बाकी लोगों की तरह ही ये लोग अपने जो भोज था, मतलब फीस्ट में गाना गाते थे, और मतलब इसकी एक तरह से ये समझिए कि इसकी पोएट्री अवेलेबल नहीं है, पोम्स इसकी अवेलेबल नहीं है, कुछ फ्रैगमेंट्स अवेलेबल हो सकते हैं। कहने का मतलब एंग्लो सैक्सन पीरियड में भी बहुत कुछ खास नहीं हुआ। तो बस आपको डेट याद रखनी है कि 450 से 1066 ईस्वी तक या 450 टू 1066 एंग्लो सैक्सन पीरियड चला, ये यहाँ पर। आगे आते हैं 1066 टू 1500 मिडिल इंग्लिश पीरियड, या इसी को एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा जाता है, मिडिल इंग्लिश पीरियड या एंग्लो नॉर्मन पीरियड। कब से कब तक ध्यान रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, 1066 से 1500 ईस्वी तक, या 1066 टू 1500 मिडिल इंग्लिश पीरियड। और मिडिल इंग्लिश पीरियड को ही किस नाम से जाना जाता है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड के नाम से जाना जाता है। और ये क्यों, क्योंकि नॉर्मन्स ने हरा दिया था एंग्लो सैक्सन को, एंग्लो सैक्सन किंग हेरोल्ड को, जो एंग्लो सैक्सन किंग हेरोल्ड 11 था उसको नॉर्मन्स ने हरा दिया था, इसीलिए इसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहा जाता है। अगर हम इसके समय की विशेषताओं की बात करें तो कोई खास विशेषता नहीं है, बस वॉर से रिलेटेड ये लोग लिखते थे, जैसे इनकी थीम होती थी, जो हीरोज हैं, और बाकी जो स्टोरी, जैसे किंग आर्थर की स्टोरी हो गई, वॉर ऑफ ट्रॉय हो गया, मतलब इन सब मुद्दों पे ये लिखते थे। बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुई थी यहाँ पर। कुछ फेमस ऑथर्स आते हैं यहाँ पर, जैसे विलियम लॉन्गलैंड हो गए, जॉन गोवर हो गए, ये सब आते हैं, चौसर भी आने लगते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, 1066 से 1500 तक जो आपको ध्यान रखता है मिडिल इंग्लिश पीरियड है या एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, इनके ऑथर्स की बात, इनके इसके अंतर्गत कौन कौन से ऑथर आते हैं बाद में बात करेंगे। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड है, उसकी विशेषता मैंने आपको बताई कि बहुत ज़्यादा, पहली बात तो नॉर्मन्स ने डिफीट किया एंग्लो सैक्सन किंग को, जिसका नाम हेरोल्ड 11 था, हेस्टिंग्स के युद्ध में, और इंग्लैंड को जीत लिया। नॉर्मन्स ने हराया किसको, एंग्लो सैक्सन किंग हेरोल्ड 11 को हेस्टिंग्स के युद्ध में, और इंग्लैंड को जीत लिया। और यहां से एक नई विचारधारा शुरू हुई लिटरेचर की, तो दोस्तों यहां से सही से अगर पूछिए तो इंग्लिश लिटरेचर शुरू होता है। बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे अब इन्होंने किंग आर्थर पे स्टोरी लिखी, वार ऑफ ट्रॉय पे लिखी, बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये एक जो थीम होती थी वो कहीं ना कहीं एक बहुत सीमित थी। ओके, तो ये अभी फ़िलहाल के लिए याद रखिए, आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा और चीज़ें, लेकिन 1066 से 1500 ईस्वी तक कौन सा एज चलता है, मिडिल इंग्लिश पीरियड चलता है, जिसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं, इतना अभी याद रखिए आप। 1500 टू 1600 ये याद रखिएगा रिनेशंस का पीरियड चलता है, या अर्ली मॉडर्न पीरियड चलता है, जिसे क्या कहते हैं इसको, और किस नाम से जाना जाता है, अर्ली मॉडर्न पीरियड के अंतर्गत माना जाता है। अर्ली मॉडर्न पीरियड कह लीजिए 1500 से 1600 ईस्वी को, 1500 टू 1600
यो जो ये टाइम फ्रेम है, इसको चाहे आप अर्ली मॉडर्न पीरियड कह लीजिए, चाहे रिनेशंस पीरियड कह लीजिए, इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है, ये देखते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत आपका आएगा जो रिनेशंस पीरियड है या अर्ली मॉडर्न पीरियड है, इसके अंतर्गत एलिजाबेथन एज आ जाएगा। 1500 से 1600 तक चलता है ना, तो देखिए 1558 से 1603 तक एलिजाबेथन पीरियड है, 1603 से 1625 जैकोबियन एज है। ध्यान रखिएगा इस एजेस, इन एजेस के नाम याद रखने पड़ेंगे, कब से कब तक कौन एज है ये याद रखना पड़ेगा, इसी उद्देश्य से आपको पढ़ा रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा। तो 1558 से 1603 एलिजाबेथन एज, 1603 से 1625 जैकोबियन एज, 1625 से 1649 कैरोलाइन एज, 1649 से 1660 यहाँ पर कॉमनवेल्थ पीरियड, या इसी को प्योरिटन एंटरिग्नम भी बोलते हैं, प्योरिटन एंटरिग्नम, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो 1500 से 1600 तक का जो समय होता है वो रिनेशंस के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो जो लिटरेरी एजेज आते हैं इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 1558 से 1500 से 1600 तक रिनेशंस हो गया, 1558 से 1558 से 1603 बहुत पूछता है कि एलिजाबेथन एज कब से कब तक, या एलिजाबेथन एज के अंतर्गत कौन कौन से राइटर आते हैं, या आप राइटर का नाम दे देगा, ऑथर का नाम दे देगा, ड्रामेटिस्ट का नाम दे देगा कि किस एज से बिलोंग करते हैं, अभी आपको बताऊंगा। 1603 से 1625 जैकोबियन एज, 1603 टू 1625 जैकोबियन एज, 1625 टू 1649 कैरोलाइन एज, 1649 टू 1660 कॉमनवेल्थ पीरियड या प्योरिटन एंटरिग्नम हो गया। तो अगर दोस्तों हम रिनेशंस की थोड़ी सी बात कर लें, जो 1500 से 1600 तक ये पूरा ये चला, चाहे एलिजाबेथन एज की विशेषता हो, जैकोबियन, कैरोलाइन, कॉमनवेल्थ, ये सब कहीं ना कहीं रिनेशंस से प्रेरित थे। तो रिनेशंस क्या है, इसको चाहे आप विद्या जागृति काल कह लीजिए, साहित्य जागृति काल कह लीजिए, कहने का मतलब इसमें सुधार हुए रिनेशंस पीरियड में। तो इंग्लैंड में जो ये पीरियड था ये सिर्फ आंदोलन नहीं था, ठीक है, जो रिनेशंस था ये सिर्फ आंदोलन नहीं है, ये क्या है, जो साहित्य की जागृति का एक महान काल है। यहाँ पर से ही बहुत ज़्यादा साहित्य जो है, लिटरेचर जो है वो आगे बढ़ता है। जो एक रिनेशन शुरू हुआ था इटली में 14वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ तथा 15वीं और 16वीं शताब्दियों में चलता रहा, इंग्लैंड में इसका प्रभाव थोड़ा देर से आया, लेकिन इसके जो साइन हैं वो देखने को मिल गए थे ह्यूमनिज्म के रूप में। तो कहने का मतलब यहाँ से लिटरेचर बहुत तेज़ी से लिटरेचर का विकास हुआ, ये ध्यान में रखना है। और बाकी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं आपको करवा चुका हूं बहुत सारे क्वेश्चन। आगे चलते हैं, एलिजाबेथन एज आपको ये डेट में मुख्य रूप से याद करवाना चाहता हूं, 1558 से 1603 एलिजाबेथन एज, 1603 से 1625 जैकोबियन एज, 1625 से 1649 कैरोलाइन एज, 1649 से 1660 कॉमनवेल्थ पीरियड या प्योरिटन एंटरिग्नम, या उसके बाद 1660 टू 1798 न्यू क्लासिकल पीरियड, 1660 टू 1700 द रिस्टोरेशन पीरियड। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 1700 टू 1745 अगस्टन आर द एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, 1745 तक जो समय चला उसको क्या कहते हैं, अगस्टन पीरियड, क्या बोलेंगे उसको, अगस्टन पीरियड बोलेंगे। 1745 तक जो एज चला, 1700 से 1745 वो अगस्टन, 1660 से तो 1798 तक अगर बात करें तो न्यू क्लासिकल पीरियड, 1700
ये पूरा का पूरा 1660 से 1798 तक कवर करता है। इसको मुझे हाईलाइट करना चाहिए था और ज़्यादा, ये थोड़ा सा डार्क में होना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा। ये इसी में बाकी के सारे एज आते हैं। 1660 से 1798 जो है ये न्यू क्लासिकल पीरियड है, ध्यान रखिएगा। इसी में बाकी जो 1798 तक रोमांटिक एज के पहले तक की जितनी घटनाएँ हैं सब आती हैं। तो 1660 से 1798 तक क्या हुआ, न्यू क्लासिकल पीरियड हुआ। इसी के अंतर्गत देखिए छोटे छोटे सब डिवीज़न हैं। 1660 से 1700 तक रेस्टोरेशन है, जबकि रिस्टोर्ड हुई राजशाही इंग्लैंड में। 1700 से 1745 जो कि अगस्टन आर द एज ऑफ पोप है, 1700 से 1745 एज ऑफ पोप, एलेक्जेंडर पोप। फिर 1745 से 1798 तक की हम बात करें, 1745 से 1798 एज ऑफ सेंसिबिलिटी या ट्रांजिशनल पीरियड या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, चाहे जिस नाम से आप बुलाइए इसे, 1745 से 1798 एज ऑफ सेंसिबिलिटी कह लीजिए, ट्रांजिशनल पीरियड कह लीजिए, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन कह लीजिए, एक ही बात हुई। उसके बाद आता है आपका 1798 से लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन के साथ ही रोमांटिक पीरियड शुरू हो जाता है जो 1837 तक चलता है। फिर 1837 से 1901 तक विक्टोरियन पीरियड चलता है। अब इसी में 1848 में बात करें, 1848 से 1860 तक क्या चलेगा, प्री रेफेलाइट्स चलेंगे। बताया था प्री रेफेलाइट्स के बारे में, अच्छे से आपको बताया हूँ प्रीवियस वीडियोस में। तो 1848 से 1860 में क्या चलेगा, प्री रेफेलाइट्स। 1880 से 1901 के बीच कौन सी ये चलती है, एस्थेटिसिज्म या एंड डिकेडेंस, एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस ये एज है, चलती है जो कि 1880 से 1901 तक। अगर 1901 से 1945 की बात करें तो ये मॉडर्न पीरियड यहाँ से शुरू हो जाता है। कहाँ से, 1901 से 1945 तक चलता है। 1901 से 1914 तक का जो पीरियड है एडवर्डियन पीरियड कहा जाता है, जिसमें गैल्सवर्दी भी हुए थे। 1901 से 1914 एडवर्डियन पीरियड, 1910 से 1936 तक जॉर्जियन पीरियड माना जाता है, 1910 से 1936 तक जॉर्जियन पीरियड। पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करें तो 1945 के बाद से पोस्ट मॉडर्निज्म माना जाता है, इसे ही हाई मॉडर्निज्म, इसी में देखिए अगर हाई मॉडर्निज्म की बात करें तो 1914 से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर हाई मॉडर्निज्म की हम बात करते हैं तो ये 1914 हाई मॉडर्निज्म स्टार्ट्स फ्रॉम 1914 द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हाई मॉडर्निज्म की शुरुआत मानी जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये सारे एजेज हो गए दोस्तों, इसको बार बार इसमें आप देख सकते हैं और आपको याद हो जाएंगी डेट्स। आप वीडियो को बार बार देखिए तो आपको डेट्स याद हो जाएंगी, कैसे कैसे डेट हैं और किस तरह इसका डिवीज़न किया गया है। अब आते हैं दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है दूसरा, मेजर ऑथर्स इन द अबव पीरियड्स। ये जो पीरियड्स मैंने आपको बताए हैं इसमें जो मेन मेन ऑथर हुए, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, एलटी ग्रेड में हो, टीजीटी पीजीटी कहीं भी हो, जूनियर एडेड में हो, ये जरूर पूछा जाता है कि ये ऑथर किस एज से बिलोंग करते हैं। तो आइए देखते हैं, ओल्ड इंग्लिश की बात करें या एंग्लो सैक्सन पीरियड की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फेमस ये पूछे जाने की संभावना नहीं रहती जूनियर एडेड में खासकर और एलटी ग्रेड में। कैडमोन हुए, सिनेवुल्फ हुए, किंग ऑल्फ्रेड हुए, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बस आपको यहाँ पे डेट याद रखना जरूरी है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब तक। नेक्स्ट आते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड। अब मिडिल इंग्लिश पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिडिल इंग्लिश पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जॉफ्री चौसर आते हैं, जॉन गॉवर आते हैं, विलियम लॉन्गलैंड आते हैं, जॉन वाइक्लिफ आते हैं। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड आप याद रखिएगा क्योंकि मिडिल इंग्लिश पीरियड इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें चौसर आ जाते हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड 1666 से 1066 से 1500 तक मिडिल इंग्लिश पीरियड कहता चलता है, जिसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब इस एज में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मिडिवलिज्म यहां से खत्म होता है, जो मध्यकाल था यहाँ पे ख़त्म होता है और एक तरह से तार्किक ढंग से एक अंडरस्टैंडिंग से प्रोज लिखे जाते हैं, पोएट्री लिखी जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नेशनलिज्म की शुरुआत होती है इंग्लैंड में, राष्ट्रवाद की शुरुआत कविताओं में दिख जाएगी और एक कॉमन लैंग्वेज की कहीं ना कहीं चौसर के आने से जो एक लैंग्वेज का विकास होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का, वो ढंग से शुरू होता है।
और इस समय में बहुत सारी जो कि बहुत भयावह घटनाएं हुई, जैसे ब्लैक डेथ हुई, बाकी चीज़ें हुई, तो उन सब का भी जिक्र मिल जाता है। तो कहने का मतलब आपको मिडिल इंग्लिश पीरियड आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब 14th century खासकर जो है, और इसमें आपके जॉफ्री चौसर आ जाएंगे, जॉन गोवर हो जाएंगे, विलियम लॉन्गलैंड हो जाएंगे, जॉन वाइक्लिफ हो जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। एलिजाबेथन एज की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, एक एक ऑथर का नाम आपको रटा होना चाहिए एलिजाबेथन पीरियड, जिसमें शेक्सपियर का नाम भी आता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई एक बार तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करते हैं। हमें बहुत आसान क्वेश्चन लगता है, लेकिन मेरे परिचय में लोग गलत करके आए, तो ध्यान में रखिएगा। एलिजाबेथन एज से कौन कौन बिलोंग करता है, सर फिलिप सिडनी किस एज के हो जाएंगे, एलिजाबेथन एज के क्रिस्टोफर मार्लो, एलिजाबेथन एज, एडमंड स्पेंसर, फेरुकिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने करवाया है, तैयार रखिएगा। विलियम शेक्सपियर, एक एक चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो कर लीजिए। बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। यूनिवर्सिटी बिट्स भी आप ध्यान में रखिएगा कौन कौन है, यहाँ दिया हुआ है, मैंने लिख दिया है, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, जॉन पील, थॉमस नास, नैश, थॉमस लॉज, थॉमस किट, और इसका कोड जो है मैं आपको यहीं पर बता दूं या अलग से बता दूं, KLMN, उसके बाद आपको क्या लिखना है, LPG गैस सिलेंडर जानते हैं ना, तो KLMN LPG याद रखिए। K से कौन हो गए, किड हो गए, L से कौन हो गए बताएं, लिली हो गए, KL, M से मार्लो, N से नैश, L से दो L आते हैं तो एक लॉज हो गए, G से ग्रीन हो गए, तो ये ध्यान रखिएगा। KL, K के बाद देखिए L आता है, M आता है, N आता है, आता है कि नहीं आता, KLMN LPG, ये यूनिवर्सिटी बिट्स का कोड हो गया। आप पूछते हैं ना सर कोड्स भी बताइए, तो कोड्स बता रहा हूँ, KLMN LPG याद रखिए। और जो बाकी लोग बहुत तरह के हरे पीले नीले करके कोड बनाते हैं, वो सब फालतू के कोड मुझे लगते हैं, मैंने जो बनाया वो बता रहा हूँ, KLMN LPG सीधे के बाद देखिए कितना साइंटिफिक ढंग से, KLMN LPG। तो इसमें यूनिवर्सिटी बिट्स में कौन कौन आएगा ध्यान में रखना है आपको, तो ये जो बहुत फेमस ड्रामेटिस्ट हैं, ऑथर्स हैं, इनके नाम याद रखिएगा, चाहे फिलिप सिडनी हो, क्रिस्टोफर मार्लो हो, एडमंड स्पेंसर हो, और बार्ड ऑफ द एवन विलियम शेक्सपियर हो, बेन जॉनसन, यूनिवर्सिटी बिट्स सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे। अब आते हैं जैकोबियन एज पे, जैकोबियन एज कब से कब तक चला ये सब याद रखिएगा, कब से कब तक चला अभी बताया हूँ, जैकोबियन एज 1603 से 1625, एलिजाबेथन एज 1558 से 1603, जैकोबियन एज 1603 से 1625। तो जैकोबियन एज में कौन कौन आता है, फ्रांसिस बेकन, एलटी ग्रेड वाले ध्यान दे, पूछा जा सकता है जैकोबियन एज, फ्रांसिस बेकन। अब फ्रांसिस बेकन को आप इस तरह नहीं कर सकते, जैसे फ्रांसिस बेकन की अगर हम बात करें तो फ्रांसिस बेकन किस में आएंगे, जैकोबियन एज में, एग्जैक्टली जैकोबियन एज में आएंगे। जॉन डन, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, जॉर्ज चैपमैन, ये सारे के सारे जैकोबियन एज में आएंगे, आप ध्यान रखिएगा, ये जितने भी हैं सब के सब जैकोबियन एज में आएंगे। कैरोलाइन एज की बात करते हैं, कैरोलाइन एज कब से कब तक, 1625 से 1649 तक, 1625 टू 1649 कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज में जॉन मिल्टन, वैसे मिल्टन की एज भी अलग है, एक तरह से एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, लेकिन कैरोलाइन एज में जॉन मिल्टन आ जाएंगे। पूछता है क्वेश्चन कि जॉन मिल्टन किस एज में आते हैं, अगर स्पेसिफिकली पूछ लिया तो कैरोलाइन एज आपको करना पड़ेगा। जॉर्ज हर्बर्ट आएंगे, रॉबर्ट बर्टन आएंगे, सर थॉमस ब्राउन आएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब कैरोलाइन एज के बाद एक कॉमनवेल्थ पीरियड भी आता है, कॉमनवेल्थ पीरियड कौन सा पीरियड, कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660 तक चलता है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन आप यहां पर ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ पीरियड कब से कब तक चलेगा, 1649 से 1660 तक। अब कॉमनवेल्थ में भी मिल्टन आएंगे, हॉब्स आएंगे, थॉमस ब्राउन आएंगे, हेनरी वॉगन आएंगे, अब्राहम काउले आएंगे, सर विलियम डेवेनेंट आएंगे, ये नाम आपको याद रखने हैं, एंड्रयू मॉरवेल भी आएंगे किस में, कॉमनवेल्थ पीरियड में। तो कॉमनवेल्थ पीरियड आपको बहुत ध्यान से देखना है, इसको मुझे कैरोलाइन एज की तरह ही हाईलाइट करना था, मैंने नोटिस नहीं किया होगा। जॉन मिल्टन, हॉब्स, सर थॉमस ब्राउन, हेनरी वॉगन, अब्राहम काउले, सर विलियम डेवेनेंट, एंड्रयू मॉरवेल, ये सब कॉमनवेल्थ पीरियड में आएंगे। कॉमनवेल्थ पीरियड कब से कब तक, 1649 से 1660 तक। 1660 के बाद तो फिर से राजशाही बहाल हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं
न्यू क्लासिकल पीरियड 1660 से 1798, ये पूरा का पूरा एज कवर करता है 1660 से 1798 तक का न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल के अंतर्गत ही बाकी आएंगे। न्यू क्लासिकल कहाँ से कहाँ तक, अब देखिए न्यू क्लासिकल के अंतर्गत ही आ रहा है द रेस्टोरेशन, ये ध्यान में रखिएगा। न्यू क्लासिकल पीरियड के अंतर्गत ही द रेस्टोरेशन आ रहा है, जिसमें सर जॉर्ज एथर जाते हैं, विलियम वाचरले आते हैं, एथर जॉर्ज वाचरले इसी में आते हैं। और आगे हम बात करें, अगर रेस्टोरेशन हो गया कब से कब तक, 1660 से 1700, 1700 से 1745 क्या हो जाएगा, अब ये और देख लीजिए रेस्टोरेशन में कौन कौन आते हैं। विलियम कॉन्ग्रीव आ रहे हैं, जॉन ड्राइडन आ रहे हैं, ये सब रेस्टोरेशन। अफ्राबेन, ये ध्यान रखिएगा, द फर्स्ट इंग्लिश वुमन राइटर हैं। कौन है अफ्राबेन, क्या है, द फर्स्ट इंग्लिश वुमन राइटर। द ऑगस्टन पीरियड की अगर हम बात करें, इसके बाद ऑगस्टन पीरियड आ जाता है, द ऑगस्टन। अब ये सब द अगस्टन हो गया चाहे रेस्टोरेशन हो गया, ये सब न्यू क्लासिकल पीरियड के अंतर्गत आ रहे हैं। तो अगस्टन पीरियड 1700 से 1745 तक एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। तो जाहिर सी बात है अलेक्जेंडर पोप रहेंगे ही, हीरोइक कपलेट वाले, जोनाथन स्विफ्ट हैं, जोसेफ एडिसन हैं, डेनियल डिफो हैं, सब एलटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल इसी के अंतर्गत, द अगस्टन पीरियड के अंतर्गत ही आएंगे। फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवल में कौन कौन आएंगे, चार, हेनरी फील्डिंग आएंगे, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, थॉमस स्टर्न, टैबियस स्मॉलेट, ये आएंगे, ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों एज ऑफ सेंसिबिलिटी की, एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी न्यू क्लासिकल पीरियड के अंतर्गत ही आएगा 1745 से 1798 तक। एज ऑफ सेंसिबिलिटी कब आएगा, 1745 से 1798, 1745 टू 1798। एज ऑफ सेंसिबिलिटी या ट्रांजिशनल पीरियड जिसे बोलते हैं, या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन भी बोलते हैं। क्या क्या बोलेंगे, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी बोल सकते हैं, ट्रांजिशनल पीरियड बोल सकते हैं, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन बोल सकते हैं, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। अगर इसकी बात करें तो सैमुअल जॉनसन आ जाएंगे इसमें, कौन आएगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, या डॉक्टर जॉनसन भी नहीं कहा जाता है, बेन जॉनसन से कंफ्यूज मत होइएगा। ओलिवर गोल्डस्मिथ आएंगे, एडमंड बर्क, जेम्स बॉसवेल, एडमंड गिबन, विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे का नाम याद रखिएगा, खासकर एलटी ग्रेड के हिसाब से तो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। आगे आते हैं रोमांटिक पीरियड पे, इसके बाद एक अलग पीरियड शुरू होता है। अभी तो न्यू क्लासिकल पीरियड के अंतर्गत ही ये सारे पीरियड आए थे। 1798 टू 1837 तक रोमांटिक पीरियड चलता है दोस्तों, और इनके जो पोएट्स हैं इनके नाम बहुत ज़रूरी हैं। आइए देखते हैं, विलियम वॉर्ड्सवर्थ, स्टीक ऑलरिज, सर वाल्टर स्कॉट, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, पर्सी बाशी शैले, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम, विलियम हैजलिट, थॉमस डिक्विंसे, मेरी वालस्टोन क्राफ्ट, ली हंट, जेन ऑस्टिन, मेरी शैले, ये सारे के सारे रोमांटिक एज में आ जाएंगे। कब से कब तक रोमांटिक एज चलता है, 1798 टू 1837 विक्टोरियन पीरियड। किसी और बुक से कंफ्यूज मत होइएगा, ये सबसे अथेंटिक है मेरे हिसाब से। द विक्टोरियन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड की अगर हम बात करें तो कब से कब तक चलेगा दोस्तों विक्टोरियन पीरियड, विक्टोरियन पीरियड 1837 से 1901 तक। इसमें कौन आएगा, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बरेट ब्राउनिंग, कहाँ पे आती हैं विक्टोरियन पीरियड में आएंगी, मैथ्यू अर्नॉल्ड, थॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन, एमिली ब्रॉन्ट, चार्ल्स डिकिंस, विलियम ठाकरे, थॉमस हार्डी, ये सब किस में आएंगे, विक्टोरियन पीरियड में आएंगे। प्री रफेलाइट्स पे आते हैं दोस्तों, अगर हम प्री रफेलाइट्स की बात करें तो प्री रफेलाइट ब्रदरहुड की अगर हम बात करें तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देख लीजिए डी जी दाते गैब्रियल रैसिटी आते हैं, विलियम हॉलमैन हंट आते हैं, जॉन मिलियस आते हैं, ये सारे लोग आते हैं। और इसके बाद क्रिश्चिना रॉसिटी भी आती हैं, विलियम मॉरिस आते हैं, ऐसी स्विनबर्न आते हैं। स्विनबर्न की स्पेलिंग शायद गलत हो, आप ध्यान दीजिएगा, आई रह रहेगा डब्ल्यू आर एन के बीच में। नेक्स्ट आते हैं ये प्री रफेलाइट ब्रदरहुड, जरूर याद रखिएगा। एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस की बात करें, एस्थेटिसिज्म और डिकेडेंस में 1880 से 1901 तक एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस चलता है, या इसे इसी में नाटी 90s वाला पीरियड भी आता है। तो इसमें आइए देखते हैं दोस्तों,
एस्थेटिसिज्म और डेकेडेंस में ऑस्कर वाइल्ड आ जाएंगे आपके, ऑस्कर वाइल्ड। आर्थर सीमंस, अर्नेस्ट डाउसन, लियोनेल जॉनसन, ये सारे आ जाएंगे एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस में। अब मॉडर्न पीरियड पे आते हैं, कौन कौन आता है मॉडर्न में, एक लंबी लिस्ट है। मॉडर्न पीरियड कब से कब तक, मॉडर्न पीरियड 1901 से 1945 तक, डब्ल्यू बी यीट्स बहुत फेमस नाम है एल टी ग्रेड के सिलेबस में, विलियम विल्फ्रेड ओवन, टी एस एलियट एल टी ग्रेड के सिलेबस में है, बहुत फेमस है, जूनियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है यीट्स और एलियट, डब्ल्यू एच ऑर्डन, रॉबर्ट ग्रेव्स, डायलन थॉमस, जोसेफ कॉनरेड, जेम्स जॉयस, डी एच लॉरेंस, डोरोथी रिचर्डसन, वर्जीनिया वुल्फ, ई एम फॉस्टर, ऑल्डस हक्सले, ग्राहम ग्रीन, डोरिस लेसिंग, जी बी शॉ का नाम, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम भी है, सैमुअल बेकेट, हेरोल्ड पिंटर सिलेबस में है, हेरोल्ड पिंटर एल टी ग्रेड के, टॉम स्टोपॉट। इंग्लिश क्रिटिक्स जो हैं वो भी इसी में आते हैं, टी एस एलियस, आई ए रिचर्डसन, वर्जीनिया वुल्फ, एफ आर लीविस, विलियम एम्सन, ये सब के सब किस में आएंगे, मॉडर्न पीरियड में आएंगे। एडवर्डियन पीरियड देखते हैं, मॉडर्न पीरियड के ही अंतर्गत एडवर्डियन पीरियड आता है, ये ध्यान में रखिएगा। रुडियर्ड किपलिंग आ जाएंगे, जॉन गॉल्सवर्दी आ जाएंगे, अभी मैंने मेंशन भी किया था, एच जी वेल्स आ जाएंगे, हेनरी जेम्स आ जाएंगे, द जॉर्जियन पीरियड, ये भी मॉडर्न पीरियड के ही अंतर्गत आएगा। जॉर्जियन पीरियड, जॉर्जियन पीरियड में कौन कौन आएगा, आइए देखते हैं। जॉर्जियन पीरियड की अगर बात करें दोस्तों, जॉर्जियन पीरियड में रूपर्ट ब्रूक आएंगे, वॉल्टर डी लामेर आएंगे, जॉर्जियन पीरियड में वॉल्टर डी लामेर, राल्फ आएंगे, ह्यूजसन आएंगे, डब्ल्यू एच डेविस आएंगे, जॉन मैसफील्ड आएंगे, ये सारे लोग आएंगे। इनमें से जो फेमस है उन्हीं का नाम याद रखिए, इतने सारे लोगों का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे टी एस एलियट हो गए, मैथ्यू अर्नॉल्ड हो गए, शेक्सपियर हो गए, फिलिप सिडनी हो गए, स्पेंसर हो गए, जो बहुत फेमस है उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ये किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, और आ जाते हैं यहाँ पर जो भी मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करते हैं, एडवर्डियन हो गया, जॉर्जियन पीरियड में ये सारे लोग आएंगे, एफ एस डी, जॉन मैसफील्ड। पोस्ट मॉडर्निज्म पे आते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म की अगर बात करें तो पोस्ट मॉडर्निज्म में मार्टिन हेगर, जैक्स डेरिडा आ जाएंगे पोस्ट मॉडर्निज्म में, जैक्स डेरिडा, और उसके बाद माइकल फ्यूकल्ट, जीन फ्रैंकोइस, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए पोस्ट मॉडर्निज्म वाले। पोस्ट मॉडर्निज्म कब से कब तक चलता है, ये 1945 से शुरू हो जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म, और हाई मॉडर्निज्म की बात करें तो 1914 से शुरू हो जाता है। इसमें कुछ थियोरीज थी जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन की थियोरी आती है पोस्ट मॉडर्निज्म में, ये सब हाइपर रियलिटी, तो ये सारी चीज़ें कुछ दिमाग में रखें। बाकी मोस्ट इसको बताने का उद्देश्य आपको सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप जो फेमस ऑथर्स हैं उनको जानते रहें कि किस एज से बिलोंग करते हैं। आइए इससे रिलेटेड फटाफट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको इसमें। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ विच मोनार्क डिड चौसर लिव, किस मोनार्क के शासनकाल में चौसर रहते थे, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा एब्सोल्यूट, एडवर्ड थर्ड, एडवर्ड सेकेंड और हेनरी फोर, इन तीनों के काल में चौसर रहे। ड्यूरिंग विच सेट्स अपडेट्स डिड चौसर लिव, 1340 से 1400 तक, 1340 से 1400 तक चौसर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हंड्रेड ईयर्स वॉर बिगैन इन द, हंड्रेड ईयर वॉर्स कब शुरू हुआ, 14 सेंचुरी में शुरू हुआ, टिक लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, इन विच कंट्री डिड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टेक प्लेस, इन विच सेंचुरी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टेक प्लेस, 11 सेंचुरी में हुई, 1066 ईस्वी, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बताएं तो 1066 नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट।
ब्लैक डेथ इज द नेम गिवन टू, ब्लैक डेथ से क्या मतलब है? द एपिडेमिक ऑफ प्लेग दैट अकर्ड इन चौसर सेज, ये प्लेग था जो कि चौसर के एज में हुआ, बी ऑप्शन. द वार ऑफ रोजेज फिगर्स इन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के वर्क्स में आप वार ऑफ रोजेज का मेंशन पा जाएंगे, ऑप्शन सी सही होगा. किस प्ले में हमें दिखाई देता है वार ऑफ रोजेज, मुझे बताइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर प्यारे दोस्तों, हंड्रेड ईयर्स वॉर वॉज फॉट बिटवीन, हंड्रेड ईयर्स जो वार हुआ उस किसके किसके बीच लड़ा गया, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया, सी ऑप्शन. अगर हम एट्थ क्वेश्चन की बात करें, कार्डमन एंड सिनेवुल्फ कौन थे, ये फेमस पोएट्स थे लेकिन कौन थे, चौसर के प्रेडिसेसर थे, चौसर के पहले आते हैं ये, बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, द वॉर ऑफ रोजेस वॉज फॉट बिटवीन, किसके किसके बीच लड़ा गया वॉर ऑफ रोजेस, किसके किसके बीच लड़ा गया, द हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैंकास्टर के बीच, किसके किसके बीच, हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैंकास्टर के बीच लड़ा गया, ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ड, किस साल ग्लोब थिएटर बना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलटी ग्रेड, जूनियर एडेड, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस सभी के लिए 1599 में बना, कौन सा थिएटर, ग्लोब थिएटर. क्वीन एलिजाबेथ असेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन, कब इन्होंने राजगद्दी ग्रहण की. अब देखिए इतने में मैं फ्लिप करना भूल गया, अभी कितने कमेंट कर देंगे लोग कि सर आप पढ़ाते कहीं हैं और आपका पेज कहीं खुला रहता है. एक आध क्वेश्चन में हो जाता है, सर भी इंसान है आप लोगों की तरह, अभी साल डेढ़ साल दो साल पहले प्रतियोगी ही थे, तो ध्यान दिया कीजिए, अपने जैसे ही समझिए. हो सकता है हम आप में से कुछ लोग मुझसे ज़्यादा होशियार हों, ये भी तो हो सकता है, बस मेरे पास आज के डेट में थोड़ा आपसे थोड़ा सा ज़्यादा अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ. तो यार समझा करो आप लोग. क्वीन एलिजाबेथ असेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन, कब सिंहासना रूढ़ हुई ये, 1558 में, और कब तक रहीं, 1603 ईस्वी तक रहीं क्वीन एलिजाबेथ, ए ऑप्शन. द जेकोबियन एज कवर्स द पीरियड, जेकोबियन एज कब से कब तक, 1603 से 1625 तक, सी ऑप्शन. द कैरोलाइन एज कवर्स द पीरियड, कब से कब तक, 1625 से 1649 तक. द कॉमनवेल्थ रिजीम अंडर क्रॉमवेल कवर्स द पीरियड्स 1649 टू 1660 तक, डी ऑप्शन. चार्ल्स सेकंड वाज रीस्टोर टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड 1660 में, फिर से रीस्टोर हो गया चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स फर्स्ट को तो लटका दिया गया था फांसी पे. चार्ल्स फर्स्ट वाज एग्जीक्यूटेड इन 1649 में, एग्जीक्यूट किया गया था. हुज एज इज कॉल्ड द जैकोबियन एज, द एज ऑफ जेम्स फर्स्ट, किसकी एज को कहा जाता है जैकोबियन एज, एज ऑफ जेम्स फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज एज इज कॉल्ड कैरोलाइन एज, द एज ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, ए ऑप्शन. हु हेडेड द कॉमनवेल्थ रिजीम आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट को जब एग्जीक्यूट किया गया, मृत्युदंड दिया गया, फांसी दी गई, और उसके बाद किसने हेड किया, लीडरशिप किसने की कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट की, तो ये क्रॉमवेल सेकेंड था. कौन था, क्रॉमवेल सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 19, क्रॉमवेल सेकेंड नहीं है, क्रॉमवेल ही था, ये सेकेंड नहीं है, क्रॉमवेल है पूरा का पूरा, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड द लैटिन सेक्रेटरी ड्यूरिंग द प्योरिटन गवर्नमेंट, लैटिन सेक्रेटरी मिल्टन को बनाया गया था. क्वेश्चन नंबर 20, द एज ऑफ रेस्टोरेशन इज सो कॉल्ड बिकॉज द फॉलोइंग किंग वॉज रिस्टोर टू द थ्रोन, चार्ल्स सेकेंड रिस्टोर हुआ इसीलिए इसको रेस्टोरेशन एज कहा गया. द थिएटर्स वर क्लोज डाउन ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ रिजीम इन इंग्लैंड इन विच ईयर वर दे रीओपन्ड, कॉमनवेल्थ रिजीम में बंद कर दिए गए थे, खुले कब, 1660 ईस्वी में खोल दिए गए, ऑप्शन डी. द रेस्टोरेशन मार्क द रियल मोमेंट ऑफ बर्थ ऑफ और मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, हु मेक्स दिस ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन किसने किया है कि जो मॉडर्न रेस्टोरेशन है उसी से हमारे जो मॉडर्न प्रोज की शुरुआत होती है, जन्म होता है मॉडर्न प्रोज का, ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द टर्म ऑगस्टन वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू स्कूल ऑफ पोएट्स बाय डॉक्टर जॉनसन, ऑगस्टन टर्म पहली बार किसने अप्लाई किया, डॉक्टर जॉनसन ने, याद रखें एलटी ग्रेड वाले, जूनियर रेडेड वाले दोनों. द 18th सेंचुरी इन इंग्लिश लिटरेचर इज आल्सो कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो 18th सेंचुरी को और क्या, द एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है, एज ऑफ रीजन. नेक्स्ट, हु कॉल्ड 18th सेंचुरी अवर एडमिरेबल एंड इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी को अवर एडमिरेबल एंड इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी किसने कहा,
मैथ्यू अर्नॉल्ड ने ही कहा, किसने कहा, मैथ्यू अर्नॉल्ड ने, हु कॉल्ड 18th सेंचुरी एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, किसने कहा, फिर से मैथ्यू अर्नॉल्ड ने ही कहा है, ए ऑप्शन, द एपिथेट ऑगस्टन वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू ड्राइडन बाय डॉक्टर जॉनसन, जो ये एपिथेट है, जो विशेषण है ऑगस्टन, ये पहले अप्लाई किया गया ड्राइडन के बारे में किसके द्वारा, डॉक्टर जॉनसन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर फॉलोज द मॉडल्स ऑफ, जो न्यू क्लासिकल एज है किस मॉडल को फॉलो करती है, तो ये ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर को फॉलो की करेगी, क्योंकि क्लासिकल एज में इसी लिटरेचर को, इसी तरह के मतलब इसी लिटरेचर को फॉलो किया जाता था, तो जाहिर सी बात है न्यू क्लासिकल एज, इसीलिए क्लासिकल एज लगा है न्यू क्लासिकल, चूंकि ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर को फॉलो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉफी हाउस कल्चर फ्लरिश्ड इन, जो कॉफी हाउस कल्चर है कब फ्लरिश हुई, तो इन द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, कॉफी हाउस कल्चर द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, जिसे एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं या ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं, उसमें फ्लरिश हुई। वाई इज द ईयर 1798 टेकन टू बी द ईयर ऑफ बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट, क्यों इसे बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक मूवमेंट कहा जाता है, चूंकि किस लिए कहा जाता है, बिकॉज इट वॉज द ईयर इन विच वॉर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट वॉज पब्लिश्ड, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, बट यूरोप एट द टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन, विच टाइम इज वॉर्ड्सवर्थ रिफरिंग टू इन दीज लाइन्स, किस समय की बात हो रही है, द पीरियड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है, जो वॉर्ड्सवर्थ यहाँ कह रहे हैं, किस बात के, बट यूरोप एट द टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, कि मतलब यूरोप बहुत ही खुश था, पूरा का पूरा यूरोप, फ्रांस बिल्कुल गोल्डन आवर्स में था, फ्रांस के भी स्वर्णिम दिन थे, एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन, और ऐसा लगता था कि मानव का जो स्वभाव है उसका पुनर्जन्म हो गया हो, क्या किस जो टाइम शब्द आया है फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में आया। क्वेश्चन नंबर 33, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हैवन, कहाँ की लाइनें हैं, तो ये प्रिलूट की लाइनें हैं, कहाँ की लाइनें हैं, बट यूरोप एट द टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, ये तो बुक सिक्स की लाइनें थी, और अगर ब्लिस वॉज इट दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हैवन, ये बुक इलेवन की लाइनें हैं, कहाँ की लाइनें हैं, प्रिलूट बुक इलेवन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, रूसो को इंटेलेक्चुअल फादर माना जाता है, बौद्धिक पिता माना जाता है फ्रेंच रिवोल्यूशन का, नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हुम डिड वॉर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, रॉबर्ट साउदे के बाद हुए पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड वॉर्ड्सवर्थ, ध्यान रखिएगा चूंकि क्वेश्चन बार बार आ रहा है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आफ्टर हुज रिफ्यूजल द पोएट लॉरिएटशिप वॉज कन्फर्ड ऑन रॉबर्ट साउदे, रॉबर्ट साउदे को जब पोएट लॉरिएट बनाया गया था तो पहले किसको ऑफर किया गया था जिसने मना कर दिया था, तो वॉल्टर स्कॉट को पहले ऑफर किया गया था, उन्होंने मना किया तब रॉबर्ट साउदे को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द ईयर 1837 टेकन एज द क्लोजिंग ईयर ऑफ रोमांटिक पीरियड एंड बिगिनिंग ऑफ द विक्टोरियन एज, 1837 को ही क्यों माना जाता है कि यहाँ से रोमांटिक पीरियड खत्म हुआ और विक्टोरियन पीरियड शुरू हुआ, क्योंकि बी ऑप्शन पे देखिए, बिकॉज क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू द थ्रोन इन दिस ईयर, इसी साल क्वीन विक्टोरिया सिंहासनारूढ़ हुई या थ्रोन पर बैठी, क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर, किसके बाद बनी थी क्वीन विक्टोरिया, विलियम फोर के बाद, ये अच्छा क्वेश्चन है, जीएस में भी आ सकता है और लिटरेचर का तो है, द गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरियाज रीन वॉज सेलिब्रेटेड इन 1887 में सेलिब्रेट हुई थी गोल्डन जुबली 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन विक्टोरिया बिकेम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, भारत की सामग्री का साम्राज्ञी कब घोषित किया गया, अच्छा क्वेश्चन है, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 1876 में भारत की साम्राज्ञी भी घोषित कर दिया गया था क्वीन विक्टोरिया को, अंग्रेजों का यहाँ शासन था ये तो हम सब जानते हैं। डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन चैलेंजेस, जो डार्विन की थियरी है कि जातियों का उद्भव और उनका जो प्राकृतिक चयन है, इस तरह की जो किताब है डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन चैलेंज, किस चीज़ को चैलेंज करती है, किस चीज़ पर प्रश्न चिन्ह उठाती है, द बाइबिलिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड,
ये वाला बाइबिलिकल कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिएशन, अब जिस तरह का वर्णन बाइबिल में है कि कैसे संसार का उद्भव हुआ, डार्विन उसको नकार देते हैं। टेनिसन वॉज अपॉइंटेड द पोएट लॉरिएट आफ्टर, किसके बाद टेनिसन बने, वर्ड्सवर्थ के बाद। द डायनास्ट इज एन एपिक ड्रामा रिटन बाय हार्डी, इट डील्स विद, जो डायनास्ट है एपिक ड्रामा है, बता चुका हूँ, हार्डी द्वारा लिखा गया, इसकी कथा वस्तु विषय वस्तु थीम क्या है, नेपोलियनिक वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिकेंस टेल ऑफ टू सिटीज, द टू सिटीज रिफर टू पहले भी कराया जा चुका है, लंडन एंड पेरिस, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इसको। थीम ऑफ टेनिसन सिडिल्स ऑफ द किंग इज, एडल्स ऑफ द किंग की थीम क्या है, ये देखिए थीम है द स्टोरी ऑफ किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सक्सीडेड रॉबर्ट ब्रिजेस एज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, जॉन मैसफील्ड, रॉबर्ट ब्रिजेस के बाद कौन बने, जॉन मैसफील्ड। ये क्वेश्चन अच्छा है, ओ ईस्ट इज द ईस्ट एंड वेस्ट इज द वेस्ट एंड नेवर द ट्वेन कैन मीट, कि पूरब पूरब है, पश्चिम पश्चिम है, दोनों कभी नहीं मिल सकते, ये रुडयार्ड किपलिंग का स्टेटमेंट है। इन विच ईयर वॉज बर्नार्ड शॉ अवार्डेड द नोबेल प्राइज, कब बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज दिया गया, बताएं, 1925 में दिया गया, एलटी ग्रेड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीबी शॉ आपके सिलेबस में है और जूनियर एडिट के सिलेबस में तो सब कुछ है। ईएम फ्रॉस्टर अ पैसेज टू इंडिया डील्स विद, ईएम फ्रॉस्टर के जो पैसे अ पैसेज टू इंडिया है किससे डील करती है, तो सी ऑप्शन पे देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस, इस पे विचार किया गया है अ पैसेज टू इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हु वॉज बिलीव टू बी ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, किसके बारे में कहा जाता है कि क्लासिस्ट लिटरेचर में है, रॉयलिस्ट पॉलिटिक्स में है, एंग्लो कैथोलिक रिलीजन की बात करें तो एंग्लो कैथोलिक हैं, अगर हम बात करें तो ये टी एस एलियट के बारे में कहा जाता है। ओके दोस्तों, तो ये आपको वेरियस एजेस को, मैंने एजेस में डेट याद रखिएगा और किस एज से कौन ऑथर बिलोंग करता है इतना याद रखिएगा, जूनियर एडेड वालों और एलटी वालों अभी इतना आपके लिए पर्याप्त है, बाकी चीज़ें मैं बाद में एलटी के लिए बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। एलटी ग्रेड वाले बिल्कुल ये ध्यान में रखें कि एक एक टॉपिक बहुत डिटेल में कवर किया जाएगा, जूनियर एडेड वालों आपके लिए सिर्फ ऑथर किस एज से वो बिलोंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आप याद रखिए, किस एज का जो फेमस एजेस है, मान लीजिए रोमांटिक पीरियड हो गया, एलिजाबेथन पीरियड हो गया, विक्टोरियन पीरियड हो गया, रेस्टोरेशन पीरियड हो गया, कॉमनवेल्थ का समय हो गया, जो भी होगी ये सारी एजेस की डेट आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, सारी नहीं, जो बहुत फेमस एजेस हैं उनकी डेट तो आप, अगर बेहतर होगा पूरी डेटों डेट्स की एज याद रख लें। तो ये बताना उद्देश्य था कि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कर जाइएगा। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक उपकार पब्लिकेशन, जिनसे मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much for watching my videos. Please do not forget to share, like and subscribe my channel. दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे और मैं वीडियोज़ डालता रहूँ। Thank you very much.